यूपी में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिल्केपुर को लेकर है। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्केपुर उपचुनाव को होल्ड किया था, लेकिन अब पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद चुनाव का रास्ता साफ दिख रहा है। वहीं से लेकर एसपी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2022 में ये याचिका दायर की गई। अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पर निर्णय भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस पर निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस। उस पर मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हार के डर से चुनाव को डाला गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मिल्कीपुर में भगवान राम बीजेपी से नाराज है। अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा, जो जंग टाला वो जंग हारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव खटवाया है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीना से, तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं, और अभी केशव मौर्या जी गए थे वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जीता पाएंगे। मिल्कीपुर में भगवान नाराज हैं, राम जी ने पहले उनको बता दिया था, आगे भी बता देते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उपचुनाव में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मिल्कीपुर सीट को लेकर इन लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। साथ ही दावा किया कि सभी सीटें एनडीए जीतेगी। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर सीट पर निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किया है, क्योंकि वहां माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन है और आज अखबारों में हमने देखा है कि वो रिट पिटीशन वापस लेने वाले हैं। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही फैसले लेगा। जो समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी दल है वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। ये चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये इसके टेक्निकल कारण है, उसमें इलेक्शन पिटीशन वगैरह कोर्ट में शायद है, उसके बारे में कहा है। अब मुझे लगता है इन टेक्निकल कारण से अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया है तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल वहाँ चुनाव होगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद और आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि एनडीए सभी 9 सीटें जीतेगी। पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी हो, उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा, हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए चुनाव लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम पूरी 9 सीटों की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, और 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। जो विपक्षी दल हैं वो हताशा से परेशान हैं, वो सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके मंसूबे आदरणीय मुख्यमंत्री कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी। चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में मिल्कीपुर पर कोई भी फैसला अगर जल्द नहीं हुआ तो मिल्कीपुर का चुनाव टल जाएगा। याचिका वापसी में अगर हफ्ते भर का समय लगा तो ये चुनाव 13 नवंबर को करा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महज 20 दिन का ही वक्त बचेगा। ऐसे में विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए मिल्कीपुर चुनाव टालने का मुद्दा लग जाएगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर हरियाणा में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद अमित शाह और नायब सैनी राजभवन पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। नायब सिंह सैनी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अमित शाह का आशीर्वाद लिया तो अमित शाह ने भी उन्हें गले लगाया और दोनों राजभवन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने दावा पेश किया है। अब कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे नेपाल भाग गए। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू के नेपाल में ससुराल है और वो वहां सराफा का कारोबार करता है। पुलिस अभी तक किसी भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी न होने की वजह से लोगों में नाराजगी ज्यादा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब नेपाल कनेक्शन सामने आया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके दो बेटे हैं। बताया जा रहा है उन्होंने नेपाल में सलर रखी है, जिसकी वजह से घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। आपको बता दूं कि महाराजगंज में हिंसा के दौरान अब्दुल हमीद और उनके दो बेटों पर गोलीकांड का आरोप लगा था, जिसमें एक युवक की मौत हो थी। युवक की भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद जो आरोपी हैं वो फरार हैं। बताया भी जा रहा है कि जो घटनाक्रम था, लोग बता रहे हैं कि अगर मौके पर पुलिस मौजूद होती तो ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन नेपाल का बॉर्डर यहां से 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जो मुख्य आरोपी यहां से कैसे भाग गए, ये पुलिसिया सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18 बहराइच। पास इन दोनों आरोपियों की फोटो है, जिन पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन लोगों ने बंदूक से गोली चलाई है, जिसकी गोली लगने से ही एक लड़के की जान गई। इसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, एक लड़के के हाथ में बंदूक है, जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बोतलें नीचे फेंक रहा था। पुलिस को इन्हें मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुटी है। तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। यही वो दोनों लड़के हैं जिन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें एक लड़के की जान चली गई। जब वो छत पर था, झंडा बदल रहा था, उसके बाद इन लड़कों ने उस पर गोली चलाई है, साथ ही भीड़ पर भी गोली चलाई है। उस लड़के को मारा पीटा गया है, प्रताड़ित किया गया है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई है। तो बहराइच के बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 35 छर्रे लगे थे उसे। मृतक की छाती और गर्दन पर 36 छर्रे लगे थे। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि मृतक के पैरों पर भी चोट के निशान थे। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से हमला किया गया था। सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। पैरों के नाखून उखाड़ने की भी कोशिश की गई थी। इस तरह से प्रताड़ित किया गया, शॉक और हेमरेज से उसकी मौत की बात भी सामने आ रही है। तो उस लड़के को इतना प्रताड़ित गया, एक तरफ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में पत्थरबाजी की जाती है, बवाल किया जाता है, और जब वो झंडा लगाता है, झंडा बदलता है, तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक कष्ट दिया जाता है, और फिर उस पर एक दो नहीं बल्कि कई बार गोली चलाई जाती है। 35 छर्रों के निशान उसके शरीर पर मिले हैं। फिलहाल बहराइच के हिंसा वाले बाजार में सन्नाटा पसरा है। बाजार में सभी दुकानें बंद है। तनाव वाले इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के अब भी फरार हैं। पुलिस के लिए राहत की बात बस ये है कि बीती रात कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, लेकिन जितने लोगों को हिरासत में लिया गया, ज्यादातर ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़के की मौत के बाद हंगामा किया था, जिन्होंने आगजनी की थी, जिन्होंने आक्रोश में कई जगहों पर हमला किया था, उन्हें तो हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो नामजद हैं वो अब भी फरार हैं। इसी बाजार में ये घटना हुई थी, जहां पर आगजनी हुई थी, गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक लड़के की मौत हुई थी। उसके बाद यहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पीएससी की 12 कंपनियां यहां तैनात हैं, आरएफ तैनात है और यूपी पुलिस के कम से कम 20 थाने के एसएचओ यहां तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अब शांति व्यवस्था यहाँ कायम है, लेकिन दो संप्रदाय में जो बवाल हुआ था उसको लेकर अब लोगों में तनाव है। पुलिस ने FIR दर्ज की है और जिसमें 50 लोग की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके दो बेटे हैं अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं।
अखिलेश कुमार, न्यूज 18, बहराइच। बहराइच में हुए बवाल पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि लोगों के दिल से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करती है। हमारी मांग है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। और जो घटनाएं हुई हैं तो इसमें मैं यही कहूंगा, मांग करूंगा कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कि ये जो घटना हुई है क्यों हुई है, इसकी पहले जाँच सही तरीके से हो किसी, और उसके बाद ही जो भी दोषी पाया जाए। ऐसा नहीं हो सिर्फ एक पक्ष को टारगेट कर कार्रवाई है, जो भी पक्षों में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। हापुड़ में ओवैसी के सामने जय श्रीराम के नारे लगाए गए। ओवैसी हापुड़ कचहरी में बयान दर्ज कराने पहुंचे थे और इसी दौरान नारेबाजी हुई है। ओवैसी फायरिंग मामले में बयान दर्ज कराने आए थे। 3 फरवरी 2022 को ओवैसी पर हापुड़ इलाके में हमला हुआ था और इसी मामले में आज बयान दर्ज कराने के लिए वो पहुंचे और उनके सामने उन्हें देखने के बाद कई लोगों ने जय श्रीराम के नारे भी लगाए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यों में डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों को परमाणु बम जैसा भयानक बताया। जयपुर के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें अगर कामयाब हुई तो फिर चुनावों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। डेमोग्राफी बदलने के परिणाम परमाणु बम से भी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। ये बेहद चिंताजनक है। इफ दिस चैलेंज विच इज अलार्मिंगली वरीसम इज नॉट एड्रेस इन अ सिस्टमिक मैनर, इट विल ग्रेजुएट टू एग्जिस्टेंशियल चैलेंज। इट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake, demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. इधर विमानों को उड़ाने की धमकी देने के मामले में बड़ी खबर आई है। 2 दिन में 10 धमकियों के बाद एक्शन में है सरकार। विमानन मंत्रालय जारी कर सकता है एक गाइडलाइंस। धमकी देने वालों से नुकसान वसूलने की तैयारी है। बड़ी खबर कि अगर कोई धमकी देता है, पकड़ा जाता है, तो उससे जितने भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। धमकी देने वाले उड़ानों से बैन किए जाएंगे, बैन भी कर दिए जाएंगे। जो धमकी देंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा, किसी भी हवाई जहाज में भविष्य में वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो नुकसान हुआ है, यानी कि अगर एरोप्लेन लेट हो रहा है, फ्लाइट लेट हो रही है, अगर किसी का टिकट कैंसिल हो रहा है या फिर कोई नहीं जा पा रहा है, तो जितने भी तरह के नुकसान होंगे उस नुकसान की भरपाई भी धमकी देने वाले से करवाई जाएगी।